हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनेशन स्टेप के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनेशन होता है उसके आगे क्या स्टेप होते हैं, पॉलिनेशन कैसे मूव करता है। तो पॉलिनेशन स्टेप डालते हैं स्टेप्स, तो ये देखते हैं तीन स्टेप्स बेसिकली होते हैं। पहला देख लेते हैं वन बाय वन कि पॉलिन ग्रेन नोट करते जाएंगे। पॉलिन ग्रेन सीधे स्टिग्मा पे जाता है और भी जाता है इधर उधर, लेकिन हमको स्टिग्मा से मतलब है। स्टिग्मा पे जाता है, फिर वहाँ से ट्यूब, पॉलिन ट्यूब निकालता है स्टिग्मा पे जाके, और ये ट्यूब सीधे ओवरी की तरफ जाता है। फिगर में देखते हैं, ये अगर जो फिगर बनाते हैं, ये कोई पॉलन ग्रेन आया बैठा, ये ट्यूब बनाया और यहाँ तक मूव किया, एक ये हो गया। दूसरा इसमें देखते हैं कि ये न्यूक्लियस ऑफ पॉलन, पॉलन का जो न्यूक्लियस है जो ट्यूब के थ्रू मूव कर रहा है, वो पॉलन ट्यूब के थ्रू मूव कर रहा है और ये क्या करता है, फर्टिलाइजेज द न्यूक्लियस इन द ओव्यूल, आया फर्टिलाइज किया। अब देखते हैं ये पॉलन ग्रेन है आपका, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ट्यूब है, ये आपका स्टिग्मा सरफेस है, ये स्टाइल होते हुए मूव करता है, ये फीमेल पार्ट है, ये आपका मेल पार्ट पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट है, और ये टोटल फीमेल है। अब देखते हैं तीसरा जो है स्टेप, ये फर्टिलाइज कर दिया। तीसरे में आप देखेंगे जो फर्टिलाइज ओव्यूल है, वो क्या बना दिया, सीड बना दिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना सिंपल स्टेप से आप तुरंत समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है कि पॉलन आया और कैसे कैसे मूव किया वन बाय वन, और लास्ट में क्या हो गया, सीड बना दिया जो उसका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, और नेक्स्ट जनरेशन में ये सीड नया पौधे को, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है जर्मिनेट करके। जर्मिनेट टू गिव न्यू प्लांट, ठीक है ना, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जर्मिनेट करके नया पौधा बना लेता है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट होगा जरूर पूछेंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा, फिर ट्यूब बनाया और ट्यूब ओवरी तक गया, फिर उसका जो पॉलन का न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू मूव कर रहा है, और ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, और फर्टिलाइज ओव्यूल क्या बना दिया, सीड बना दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि सीड कहाँ से बनते हैं, तो ओव्यूल से बनते हैं, तो ये ध्यान देंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, बाय बच्चों।